अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते जी आयां नूं सुणियो, जिउंदे वास्ते रहो। मैं सज्जाद ददरा जट तुहाडे सामने दो क्लिप रखण लगा वां। मैं फिल्मां दे, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मां दे, उहनां दोनां क्लिपां दे विच ही अज दी कहानी जिहड़ी इहनां लुकी है, यानी कि जिहड़ा करैक्टर उहदे विच ना, अज असीं उसे करैक्टर दे उत्ते उहदी रीयल स्टोरी तुहाडे नाल सांझी करनी है। पहले आ क्लिप वेखो। बाला तेरे दा दुश्मन दा भी सी पर इस तों ज्यादा रब नूं मनन वाला दीनदार भी सी। बैरडियां चुक ले मो बाला बाला लगियो। ये सुनियो जिहड़ा पहला क्लिप तुसीं वेख्या, ये जी फिल्म दा नां है खड़ाक, जिहड़ी 1992 विच रिलीज़ होंदी है। इस फिल्म विच मेन रोल कीता सुल्तान राई साहब ने, ते उहदे नाल जिहड़ा क्लिप तुसीं वेख्या अनवर खान दा, ये बड़ा शानदार रोल कीता है। पहलवाना दे शहर गुजरांवाले दा एक बदमाश होया, डॉन होया, पहलवान बंदा होया, बाला पीरे वाला, ये वो रोल सी। दूसरा जिहड़ा क्लिप तुसीं वेख्या, ये जी 1994 दी फिल्म में बाला पीरे दा, यानी कि उस बंदे दे उत्ते जिहड़ा ना ए बनी फिल्म है। इहदा टाइटल सुल्तान राई साहब ने कीता है। इस फिल्म दे उत्ते जिहड़ी कि कहानी बनी है बाला पीरे वाला ते, पहलवाना दे शहर गुजरांवाले दा डॉन होया, अज असी उसे डॉन दे उत्ते पूरी सच्ची कहानी तुहाडे तक लैके आए हां। सुणियो जिहड़ी अज तीकर इंटरनेट दी दुनिया ते उस बंदे ते इस तरह दी कहानी किसे बंदे ने शेयर नहीं कीती। ये उही सुणियो गुजरांवाला दा बदमाश होया कि जिन्ने एक बहुत वड्डा सूरमा पंजाब दा ढा दिता, यानी कि माजू पहलवान नूं इहने कतल कीता सी। क्यों कतल किया सी वह भी दसांगे। अगर माजू के बारे तुसी पूरी जानकारी असल उहदियां तस्वीरां समेत वेखणियां होण, उहदा घर, कब्रस्तान विच उहदी कबर, सारे मामलात उहदा मैं लिंक उस वीडियो दा डिस्क्रिप्शन पा दित्ता सी, उह बणाई सी, बहुत सारा तुसी प्यार दित्ता। तुसी अगर नहीं वेखी तो लिंक उहदा जिहड़ा ना दबाओ तो तुसी वेख सकदे हो वीडियो। अज असीं बाले पीरे वाले दी गल करनी है। फिर उस बंदे ने माजू नूं भी कतल किया, एक गुजरांवाला दा होर बहुत वड्डा बदमाश होया बिल्लू घंटा करिया, उहदे ते भी सुल्तान राई शान की फिल्म बनी, माजू ते भी बनी। यानी गुजरांवाले ते बड़े बड़े बदमाश पहलवान टाइप बंदे होए ने, उन्होंने इन्होंने दोनों बंदे ने इस बंदे ने ढाया। फिर किस तरह मफरूरियां होंदियां ने, ते किस तरह यह बंदा जरा ना जेलां विच जांदा ते दुनिया परताई जांदा। फिर मेन गल है कि बंदा नमाजी ते परहेजगार सी, ते जान बुझ के किसी एवें तंग भी नहीं सी करदा। भाई बंदा होया यार, तुसीं बड़ी फरमाइश की जो असीं माजू ते वीडियो की है ना, कि यार बाले पीरे वाले, क्योंकि वह सवाल है, यह वीडियो जी जवाब है माजू है। दोनों वीडियो वेखोगे तो तुहानूं असल सारियां गल्लां दा फेर, क्योंकि एको इलाके दे होए ने, एक शहर के होए ने, लिहाजा यह तुहानूं वीडियो दोनों जरूर वेखनी चाहीदी। फिर इहदा एक यार हुंदा जैगम चट्ठा, बहुत वड्डा वो भी बदमाश होया, डाउन होया। उस बंदे ने फिर किहड़े सियासतदान कोलों पैसे लैके, तो जिहड़े बाले ने ते बड़े आसान किए जैगम चट्ठे दे। फिर इहो ही बंदा उहनूं जदों तहज्जुद की नमाज बाला पढ़ रहा हुंदा, ते इहदे पिछे खलो के इहनूं फायर मार के ते जिहड़ा ना मार दिंदा। की सारे मामलात बणदे ने। मैं कहिंदा इस तरह की वीडियो तुसीं जिंदगी च पहले नहीं सुनी होनी, वेखी होनी। जिहड़ी फिल्म हुंदी है ना, उहदे च रियालिटी नहीं विखाई जांदी, ज़ाहरी गल अपने कोलों चीज़ां फिक्शन हुंदी है। हाँ जी, सिर्फ ना इस्तेमाल होया हुंदा, लेकिन असी रियालिटी तुहाडे सामने रखन लगे हां। तो ये पूरी कहानी गुजरांवाले दे किहड़े ऐसे पहलवान ने सानू दसी, जिहड़ा कि शेरे लाहौर दा मुकाबला उहने लाहौर जाके भी जितिया, उहदा भरा गुजरांवाले च चैंपियन रह चुकिया पहलवान। पहलवान खानदान ने पूरी कहानी साडे तक पहुंचाई है। आखिर ते अगे चल के मैं तुहानू उहदे बारे भी सारा कुछ दसांगा। लो फिर, जे चैनल ते पहली बार आए हो तो मुहब्बत नाल करो सबसक्राइब, वीडियो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में तुसी दसना जरूर कि होर तुसी किहड़े बदमाश ते कहानी जानना चाहते हो, बिल्लू ते, जैगम चट्ठे ते, हाँ जी, या होर भी बड़े अगे चल के विच ना आउणगे, तुसी दस्सिओ जरूर। असीं कोशिश करांगे कि उन्हां ते भी उन्हां दी कहानियां खोज के खुरे लभ के तुहाडे सामने रखीए जी। सोहणियो मनमोहणियो बाला पीरे वाला जी 10 जून 1942 नूं गुजरांवाला दे इलाके घंटा घर में जमदा है कि इहदे मां प्यो जिहड़े ने इहदा नाम रखते ने मुहम्मद इकबाल। प्यो इहनां दे नाम हुंदा है पीर बख्श, जिन्हों के सेठ पीरा भी आख्या जाता है। वह किस तरह कद तो वाला, क्योंकि उस बंदे बंदा खुद ट्रक ड्राइवर सी, लेकिन उहदे जाती भी दो ट्रक ते एक बस सी,
सेठ पीरे दे, यानी कि बाले पीरे वाले दे प्यो दे। ते जिहड़ी बस सी ना ओह उहनां दा उहदा रूट सी पिशावर तो गुजरांवाला, ते ट्रक खुद एक आप चलांदा सी, एक इहना ड्राइवर बिठाया सी, यानी कि खांदे पींदे सहिंदे घर सहिंदा घर सी। इस वास्ते इन्हां नूं क्योंकि बाला पुठा ना हो गया जिहड़ा घर च तुहानूं पता आम पै जांदा, ते प्यो जिहड़ा ना ओह पीर बख्श पीरा उहनूं आंदे सन, लिहाजा फिर बाला पीरे दा। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਪੀਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਪੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਰਫ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨਿਆ, ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਛੇੜਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੇ ਵਜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਭੰਨਣਾ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਲਾ ਭਲਵਾਨ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੈੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਡਕੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਡੇਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਖੜਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਲਾ ਪੀਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਸੀਦਾ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਠਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਸਾਈ ਭਲਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟੈਪ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਲੇ ਤੇ FIR ਕੋਈ ਕਰਵਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬਰੋਬ ਕਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭੈੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਾਈ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਤੇ ਰਫਲਾਂ ਸ਼ਫਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗਏ ਹਨ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਕੋ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲੇ ਪੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋ ਖੋ ਲਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਸਾਰੇ ਡਕੇਟ ਗੈਂਗ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, 30 ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬਜਾਇਆ ਯਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਈ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ
जिन्हें आख्या सी किसी बेइज्जत बरोब करना है, वह फिर कलाशनकोफ जी है ना ये को बाले को रही। उस कलाशनकोफ के नाल 26 दिन बाद बंदा किसी कारण किसी वजह तो ना त्रै मरजई मार दिंदा, कतल कर दिंदा, तो जाके खुद थाने पेश हो जाता है जिथों ओदे ते परचा हुंदा है, ते ओ सेंट्रल जेल गुजरांवाले टुर जांदा है। ते जदों सुणियो बाला पीरे दा सेंट्रल जेल टुर जांदा है ना, पिछों ओही करप्ट सियासतदान बिल्लू घंटा घरिया नूं जिहड़ा ना चुकदा कि माल पाणी जिन्ना गहने मेरे को लै तू हुक्म कर, लेकिन इसे जेल दे विच बंदा गया है, इस बंदे नूं जलील करना तंग करना, तो समझ आई ना, तंग करना है कि मैं सानू खतरा महसूस हो रहा है किसी तरीके एदा मकू ठप हो यार। वो हुण बिल्लू घंटा घर या जिहड़ा ना वो है हुंदे ते एक इलाके दे ने एक गली दे, वो इहनू जिहड़ा ना जेल विच तंग करना शुरू कर दिंदा है, वो पहले मौजूद सी उत्थे। खैर जदों तंग करन लग पैंदा है ना ते ये बाला पीरे वाला बड़े तहमल मजाजी नाल जिहड़ा ना पुरसकून होकर उहनू समझांदा है कि यार बंदे दा पुत्तर बण तू एक महल्ले दे एक गली दे सी रहण वाले, तेरा मैं कोई जान भी नहीं कीता, कोई नुकसान नहीं कीता, तू मैनू क्यों तंग कर रहा, बेहतर है तू मैं तंग ना कर यार, नहीं तो फिर इन्हें भी कहे तो ठीक है फिर पछताएगा तू इस चीज न। लेकिन वह बंदा बाज ना आया, नाले बाज किस तरह आता, पिछों तो माल चढ़िया ना वह माल खलो नहीं सी देंदा पिया, भुड़कनी लगी सी। हाँ इन दिनों में जरा ना माजू पहलवान ओदा भी जनाब तूती बोलन बोलन लग पिया, गुजरांवाले के इलाके गुजरांवाले पूरे शहर में गुजरांवाला तो वड्डा डाउन बन गया सी। उहदे बाजू दे दो बेली हुंदे ने कि जिवें उह शान ते सुल्तान दी फिल्मां जिहड़ी उहदे नाल नाल हुंदे खुश आमदी बंदे है वी मफरूर सन, बंदे कातल सन, गैंग वाले सन ना डकेट सन। इह एक दफा बाजू जांदा कचहरी, तुहानूं पता इहो जिहे लोकां नाल चलदा रहिंदा कदी जेल ते कदी कचहरियां ते कदी किधर कदी किधर, लिहाजा उत्थे जा के ना बाजू दा इक हुंदा इक दुश्मन बशीरा तेली जिन्हों वेख के माजू जरा हांगरा मारद, जो हांगरा मारद ना तो ये जे भरा होंगे ने मनाना ढोला वो जाके बशीरे तेली वड़ देंगे कचहरी दे जिथों परचा हो जाता है माजू पहलवान से कि बंदा बंदा तू मरवाया, लिहाजा ये भी परचा होंगे तो यह भी उस जेल सेंट्रल ही बंद हो जाता है जिथे पहले बाला पीरे वाला तो बिल्लू घंटा घरिया भी बंद ने। हुण सुणियो बिल्लू दी बिल्लू घंटा घरिया दी ते माजू पहलवान दी आपस विच हो जांदी है यारी। हुण यारी हुंदी है असल च ते उह जिहड़ा बिल्लू है ना इहनूं माजू नूं नाल लांदा है कि तगड़ा बंदा है, उहने आख्या यार इस जेल विच साडा इक दुश्मन है उह तंग करदा, हालांकि करदा ते नहीं सी ना, लिहाजा तंग करना ते उहनूं असीं जलीलो रसवा करना इत्थे। उहने कहा ठीक है कर लवांगे। एक दिन की हुंदा है कि जेल दे विच जाण बुझ के इह दोनों बंदे जिहड़े ना उहनूं बाले पीरे वाले तंग करते हैं, बिजत बरोब करते हैं, ला ला गल कर मुड़ के की होंगे कि लड़ाई वादी वादी इतों तक वादी हाथा पाई तक। इन्होंने फिर बाले पीरे वाले के दो बंदे सन पलवान टाइप दोनों, इन्होंने बाले पीरे वाले के कपड़े पाड़ दते उन्होंने करता नंगिया, जिथों बंदे ने बहुत ज्यादा शर्म महसूस की समझो कि वो दिल में जरा ना वो सट वजी। उन्हें आख्या यार बेहतर यो तरीखी उस वे अल्फाज ने, उन्हें आख्या यार बेहतर मैनू तुसीं मैनू मार दवो, नहीं तो जे अज मैं जिंदा बच गया ना तो मैं बाहर आके तुहानू दोनों नू मैं मारांगा, मैं तुहानू छड्डना नहीं जे। इन्हां दिनां विच ही सुणियो जैगम चट्ठा जिहड़ा हाफसाबाद दा डाउन होया ना वह भी किसी केस से परचा हुंदा तो वह भी इसे जेले आ जांदा, यानी कि चार जिहड़े ने थम बंदे गुजरांवाले की जेल च बंद हुंदे ने सेंट्रल जेल च। हुण बिल्लू दी ते माजू दी यारी हो गई हुंदी, एक ग्रुप बन गया हुंदा, दूसरे पासे बाला पीरे दा ते नाल जैगम चट्ठा इन्हां दी यारी हो जांदी, इह वी ग्रुप बन जांदा। इस वाके तो बाद थोड़े अरसे बाद दी जिहड़ा ना माजू पहलवान ते जिहड़ा बिल्लू घंटा करिया इह रिहा हो जांदे ने जेलों। बिल्लू जिहड़ा उह अपने इलाके घंटा घर टुर जांदा है ते जिहड़ा हुंदा ना माजू पहलवान उह शहर बदर हो जांदा, लिहाजा उह गुजरांवालों टुर जांदा फिर पिशौर के इलाके जमरोद। हुण पिछों जिहड़ा सेठ पीरा ना वह अपने पुत्र बाले पीरे दा उहदी जमानत जिहड़ी करान लगदा, उहदा पुत्र आंदा है कि अब्बा नहीं जमानत पहले मेरी नहीं करवानी, तो पहले मेरे यार दी मेरे जिगरी यार दी जैगम चट्ठे दी जमानत करा, पहले उहदी करा, नहीं तो मैं जे तू मेरी कराई ने तो मैं बाहर नहीं आना, मैं तैनूं पहले दस दिंदा।
चलो जी वो मजबूर हो गए पुत्र दे इह गलों, वो सब तो पहले जैगम चट्ठे की जमानत करवांदा है, उस तो 4 महीने बाद रिहा हो जाता है बाला पीरे का, जिसे के बाद जैगम चट्ठा वह बड़ा इस्तकबाल करता है पूरे गुजरांवाले च, फिर जो जशन होंदा एक उहदा यार रिहा हो के आया। पर सोनी बाला जिहड़ा ना वह जिहड़ा जेल च उहदी जिहड़ी इज्जत जिहड़ी है ना खराब की इन्होंने, वह बड़ा तपिया सी माजू ते, लिहाजा उन्हें कोई मौका लभ रहा कि किसे तरीके माजू मेरे हाथे चढ़े किते किते आए इधर शहर आए वापस ताकि मैं जो कोई बदला लवा। वह की होंदा है कि एक दिन जिहड़ा माजू पहलवान आया होंदा गुजरांवाले चोरी छुपे, कि जरा गुजरांवाले उच्चा पोले ना उत्थे टांगे ते आ रहा होंदा है कि बाले नूं पता लग जांदा है, ये गरारी वाला पिस्तौल लैके ते तान के खलो जांदा है कि पुत्तर थल्ले उतर हंदरा। माजू जिहड़ा ना इस तों वी चंगा तगड़ा ते पहलवान किस्म दा वेखो बंदा सी, लिहाजा जो छाल मार के टांगे तो उतरदा ना ते उहदा दबदबा रोह भी इन्ना सी कि इहदे कोल पिस्तौल डिग पैंदा, ये कुदरत नूं इस तरह को कम होना सी, लिहाजा दुनिया दसदी है कि जदों पिस्तौल डिगदा ते हाथापाई शुरू हो जाती है लड़न लग पैंदे ने, घोलदियां घोलदियां इन्नी देर नूं दुनिया इकट्ठी हो जाती है, पिछे पैगाम पड़ जाते हैं कि इन्हां दे जिहड़े शहर दे वड्डे लोग नामी ग्रामी लोग ने कोई चौधरी टाइप वह खैर विच आ जाते हैं कि इन्हां नूं जिहड़ा ना इत्थे छुड़वाया जाता है, तो समझ लो कि यह बहुत वड्डे खून खराबे तो शहर जिहड़ा ना उदों बच जाता है कि वापस सारे जिहड़े ने अपने अपने घरां तुर जाते हैं। इस वाके तो सोनियो तिना दिनों बाद माजू पहलवान ने गुजरांवाला विच एक बैंक की गड्डी पैसा लैके आउंदी है, उस गड्डी नूं डक लैंदा कि मैनूं जग्गा दिओ, गड्डी सारी नूं लुटदा उन्होंने खुद कहिंदा कि बाहर निकलो तो जग्गा दिओ मैनूं, वो जग्गा देण तों इनकार कर दिंदे ने कि जिथों फिर दुनिया इकट्ठी हो जाती है इन्हां दी गड्डी भन्न तोड़ दिंदा, वह जिथों पुलिस आ जाती है ये फिर फरार हो के भज के ते लाहौर तुर जाते हैं। हुण जदों माजू शहर छड जांदा भज जांदा ना ते पिछे मौका मिल जांदा बाले नूं ते जैगम चट्ठे नूं कि वह उहदे यार बिल्लू घंटा करिया नूं जिहड़ा ना उहदे इलाके विच जाके घंटा घर च कतल कर देंदे ने, ते बाला जिहड़ी जेल चों ने जबान दित्ती सी ना उहनां नूं उह इक पूरी होई कि मैं तुहानूं बाहर निकल के छड्डना नहीं, इक बंदा उहने मार दित्ता, हुण भज पैंदे ने इहनां ते वी जिहड़ा ना फिर परचे हो जांदे पुलिसां मगर लग जांदियां ने, इह वी गुजरांवाला छड जांदे ने, छड के ते माजू पहलवान के पिछे खुरा नपते नपते यह भी लाहौर पड़ जाते हैं कि हुण इहदा भी मकू ठपना इहनूं भी मकाना सी, वेखियो हुण लगा जे माजू भी इत्थे जिहड़ा डिगण, हुण माजू नूं मरन वास्ते मनसूबाबंदी हो रही है सारी, ते एक माजू दा जिहड़ा कारे खास कोई बंदा करीबी यार बेली सी ना उस बंदे नूं इह खरीद लैंदे ने जिहदे कोल सारा पता जिहनूं हुंदा ते उह माजू कोल उठण बहण वाला हुंदा, लक्ष्मी चौक दा इलाका हुंदा, इहनां दे कोल इहदा पुत्तर बिलाल भी मिलण वास्ते गया हुंदा, वह जदों उन्हों खरीदते हैं ना वो करीबी साथी माजू दे कहें कि यार तू किसी तरीके को असला जोड़ा ना वो पर कर लिया, ये फिर वह जरा बेली है ना वो जाता है माजू को जाके आता है भलवान जी मेरी लड़ाई हो गई अपना असला मैनू दियो, वह कहें मैं तेरे नाल चलना वा कौन है तेन हाथ लाने वाला, क्योंकि बंदा यार यार से, उन्हें कहा नहीं भलवान जी तुम रवो छोटा ही काम है बस तुम मैं दियो है, लिया जा स्टीन गन तो गरारी वाला पिस्तौल माजू दे देता उन्होंने कि जा, वह दोनों चीज़ा लैके आ जाता है बाले को जैगम चट्ठे को, क्या लो भाई थोड़े तो दुश्मन जरा ना खाली है बिल्कुल हूँ कर लो वार तुम दियो मैं माल पानी। हूँ जो ये मामला हों ना तो दूसरे पास क्योंकि वो कोई बच्चा गया हों बिलाल पुत्र वह कोई 7-8 साल का वो होंगे वह बाहर कोई शह शू खवाण वास्ते ना कर चल मैं पान शान खा लवाना लक्ष्मी चौक ही वह बाहर निकलते हैं, हूँ इतने घात ला के अगे जरा ना बैठे होंगे ने ये पूरी गैंग बाला भी जैगम ही हाँ जी ते नाल जिहड़े सारे बंदे सी, हुण एक गुजरांवाले दा होर एक बदमाश जिहड़ा कि गैंगस्टर सी किराए दा कातल जिहनूं आंदे ने जिहड़ा माल पानी लै के बंदे फड़का दिंदा सी जिहदा नाम सी माखा लोहार चक्की वाला, उन्होंने आख्या कि तैनूं अजे जिहड़ा ना ये बंदा नहीं जाणदा माजू लिहाजा तूं जिहड़ा ना कोल जा ते पहला फैर तूं मार इहनूं, माखा लोहार चक्की वाला जांदा जी जांदिआं सार ही माजू दे सिद्धा दिल वाले पासे फैर मार दिया, फैर मार दिया तो पहलवान जो माजू पहलवान माशाला तगड़ा बंदा सी उन्हें तो कलावा मार लिया तौन दबोच लिया घुलन लग पे उन्हें नप लिया उन्हें, हूँ जो पुत्र सी कोल ना उन्होंने मा आंदा क्योंकि दूजे पास्यों फिर फायरिंग होने लग पी अगे वध के जैगम चट्ठा जिहड़ा उन्हें भी उन्होंने फायर मारिया,
फिर तीसरा फिर बाले ने मारिया उन्हें अपने पुत्र आंदा बिलाल पुत्र तू दौड़ जा पता नहीं उन्होंने सोच गए बेचारे कि मेरे ते आखिरी बिल आ गया लिहाजा बिलाल उतों पजा देंदा कि तू तो अपनी जान बचा ना उत्थे फिर बाले ने अपनी दूसरी जबान भी जेल वाला जिहड़ा ना गल पूरी कर ले उत्ते खलो के उन्होंने फिर फायरिंग करके माजू पहलवान जिहड़ा ना वो पूरा कर दिता। हुण जदों माजू पहलवान नूं मार देना ते इह जो समझ लो कि इन्हां दे परचे अगे ही बड़े से हुण काम वधदा जा रहा सी हैं इन्होंने फिर की किया कि इश्तिहारी हो गए मफरूरी कटी कित्थे तुर गई उत्थे ही फिर सारे इलाका गैर च जमरोद जा कट्ठे होए दोनों उत्थे तुर जांदे ने पहाड़ी इलाके विच। हुण जदों इह पिछे जिहड़ा सी ना पहले शुरू वाला गुजरांवाले दा सियासी खानदान सियासी बंदा वह जिन्होंने कायदे आजम के भैन के खिलाफ ही पता नहीं कोई गल्लां बातां तारीखदान कहिंदे ने कोई सियासी सियासतदान भी कहिंदे ने उन्हां कीतियां सी हाँ जी उस बंदे ने जदों पता लग्गिया तो उन्हें जैगम चट्ठे नाल राबता कीता तो खै बखै शुरू वाली जिहड़ी सी ना उहदे जेन च फसी सी कि बाले नूं मरवाणा ही मरवाणा मैं उह पता नहीं किन्ना कु बंदा डरदा सी इहदे तों उन्हें जैगम नूं आख्या कि यार इह तेरा यार है तेरे कोल रहिंदा है जो मूँह मंगेगा मैं दवांगा पैसा जो कहेगा इन्हू मार। उन्हें क्या जेडे मेरे ते परचे पुरचे सारा कुछ उन्हें क्या हर चीज तेरी खत्म कर देवगा बाइज्जत तेन रिहा कराना मेरा काम इस बंदे टपाना तेरा काम कबूल कर लेंदा पेशकश बंदा। हुण सोनी जेड़ा बाला सी ना वह तो जैगम चट्ठे नू समझदा सी अपना गहरी जिगरी यार लेकिन जेड़ा जैगम सी ना गुजरां वाले दे लोकी पहलवान लोग दसदे ने कि वह बंदा मौका परस्त सी मतलबी यार सी। उन्हें की किया कि एक रात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा बाला बाला पीरे का यह बंदा जरा ना पिछे पिछे खलो के ने फिर जी फायरिंग शुरू कर दी कि मौके पर उन्हें जरा ना वो रब को पहुँचा दिता। हूँ यह बंदा उतों भी भजदा तो वापस अपने सियासी हमायती को अपने शहर गुजरांवाला आ जाता है। हूँ वो की कहता अगों के तेनू मैं करावगा जेल ताकि पिछे मैं मामला सैटल कर लवा ना लिहाजा उन्होंने जरा ना जेले भेज देंदा। त्रै महीने तक जी जरा जैगम चट्ठा जेले रहा पिछों सारे केस वो खत्म करा देंदा तो उन्होंने बाइज्जत बाद बरी करवा दें जैगम चट्ठे हूँ उधरों जिथे बाला मारिया गया उतों वो लाश जी मैयत जी ना गुजरांवाले लिया जाती है लिया के इतने माडल टाउन जरा गुजरांवाले का सब तो वड्डा कदीम जरा कब्रस्तान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਆਪਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਢੇਰੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲੇ ਪੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲ ਛੱਡੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੇਠ ਪੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਪੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਆਪਣਾ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਪੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੂ ਘੈਂਟਾ ਘੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾ ਬਣਾ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡਲ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤਗੀਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ छुट गए किसी मार छ ਮਰਨਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ
जिस दिन बाले नूं गोली लगदी है तो रब नूं प्यारा हुंदा है। ओह जी 19 दिसंबर 1980 दा साल सी। ते प्यारियो ऐ जी बाला पहलवान दी कबर के जिथे ओहदी इक भैण लाहौर व्याई है कि जिहड़ी वडेरी होई है तो हर महीने 10-15 हज़ार रुपया भेजदी है कि मेरे भरा की कबर जिहड़ी है ना ओहदा बुरा हाल नहीं होना चाहीदा, ओहदे ते दीवा बलदा रहना चाहीदा, फुल पैंदे रहने चाहीदे ने, साफ सुथरी रहनी चाहीदी। यानी कि भैणां वेख लो भरावां ने इन्ना प्यार कर दिया। ते ऐ साईं शबाज जी ने कि जिहड़े बाले दे समझो दीवाने ने कि बड़ी सेवा उन्हां दी कबर दी करदे रहिंदे ने जी। ते ऐ बाले दे प्यो दी कबर है जी सेठ पीर बख्श, ऐ नाल कबर इन्हां दे बाले दे भरा दी है। ते इसे कब्रस्तान दे नाल ऐ जिहड़ी मस्जिद है ये सोहणियो इन्हां ने बनवाई सी ताकि लोकी आउण नमाज पढ़न रब नूं याद करन। हांजी सेठ पीर बख्श ने जिथे अज भी आबाद है, मैं कहना कि दुनिया उत्थे जांदी है रब नूं याद करदी है। ज़ाहरी गल है अच्छा काम करके जाओगे तो पिछे सदका जा रही हुंदा, सवाब तो मिलता रहना ने इंशाअल्लाह ताला। ते सोहणियो आखर ते ऐ बाले दा ओह घर है जी। खैर हुण ते दुबारा जिहड़ा नवां तमीर होया पता नहीं इत्थे हुण कौन रहिंदा, ओह ते इत्थों टुर टुरा गए ने। गाँव दा जिहड़ा पुत्तर है माशाअल्लाह जणा जवान है ते ओ जारी गल है, ओ फिर जिहड़ा ना इन्हां दावतां विच खानदान दे खानदानी तबाह बर्बाद हुंदे ने। लिहाजा उहनूं वड्डियां समझाया कि पुत्तर जिहड़ा ना अमन सुकून दी जिंदगी जीओ, रब नूं याद करो, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करो। ये पूरी कहानी सच्ची कहानी दे पिछे बहुत ज्यादा इहनूं इकट्ठिया करन विच खोज है, मेहनत लगी है, स्ट्रगल लगी है, जिहड़ा मैं तुहानूं शुरू तों दस्सिया सी कि किहड़े भलवान ने सानूं सारा कोई कहानी दित्ती है। उहनां दे नाम सुन लो। इन्हां दा नाम है जी आशिक पहलवान उर्फ काला माड़ू वाला, जिन्हां ने 2017 विच लाहौर जाके शेरे लाहौर का कुश्ती मुकाबला टाइटल जितया सी। ते इन्हां दे दूसरे भरा ने जी बाली पहलवान चीता, जिन्हां 2017 विच गुजरांवाला का टाइटल जितया सी, गुजरांवाला दे चैंपियन रहे। इन्हां दा प्यो भी माशाला पहलवान है। ते यार पलवान लोग ने यार मुहब्बत करने वाले इन्ने जीदार लोग यार, इन्होंने बड़ी मेहनत नाल मैं इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी सी कि यार लोकी रिक्वेस्ट कर रहे ने, कह रहे ने जिथे माजू दी तुसी स्टोरी दिती है इन्हों की भी दो, क्योंकि पलवाना नाल जिहड़ा ना बड़ी इश्क करने वाले बंदे ने। ते मैं सोनी उन्हों का बड़ा शुक्र गुजार हाँ कि उन्होंने ये सच्ची कहानी पहली दफा इंटरनेट की दुनिया से तुसी आ वेख रहे हो जिहड़ी उन्होंने सानू दिती ते असीं तुहाडे तक पहुँचाई है। दरवेश जिहड़ा ना एक भलवान बंदा जिहड़ा ना इज्जतां दा रखवाला हुंदा है, वह दरवेश हुंदा है, उहदियां कबरां ते दीवे सोहणे बलदे ही रहिंदे ने। ते बाला एक भाई बंदा होया, कोई खच नहीं होई, नर बंदा होया, जिवें माजू भी एक नर बंदा सी। पहले जमाने दे जिहड़े लोग ने उहनां अगर किसी कोई दुश्मनी रखदे ते उहनां दे घरां नाल धीआं भैणां वाले पासे नहीं सी वेखदे हुंदे। अजकल तां हुंदा ही है फलाने दी धी चुक लो ते कुड़ी चुक लवो, भैन चुक लवो, लेकिन वह लोग इज्जतां दे भाईवाल हुंदे सी, इज्जतां दे रखवाले हुंदे सन, वैर वैर हुंदे सी एक दूजे नाल हुंदे सन यार। अल्लाह पाक जी उहनां दे दर्जात बुलंद फरमाए ते गलतियां कुताइयां अल्लाह दी ज़ात माफ़ फरमाए ते सानू सब नू अल्लाह पाक अमन प्यार मुहब्बत शांति नाल जिहड़ा ना उह एक दूजे नाल भाईचारे नाल रहिण दी तौफीक दे। हाँ जी, ते अल्लाह सोहना तुहानूं सब नूं सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ोमान विच रखे, दिओ इजाज़तां किसे होर इस तरह की कहानी दे नाल तुहाडी सेवा चाहांगे। पहले मैं आख्या सी अगर किसे बारे किसे डाउन दे बारे तुसीं जानना चाहते हो तो उन्हां दा जिन्हां दे नाल लैण उन्हां दा नाम कमेंट बॉक्स विच तुसीं जरूर लिखना, इंशाअल्लाह असीं कोशिश करांगे कि उन्हां ते वी गल्लबात जिहड़ी है तुहाडे सामने रखी जाए। रब राखा जी।